Hey guys, next month से मैं without fail daily आपको tech story देता रहूंगा। मुझे पता है मैंने आपसे वादा किया था, but मैं एक दो ही story दे पाया, उसके बाद मैं continue नहीं कर पाया। But next month से मैं पक्का आपको daily tech story दूंगा। और daily कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके साथ unboxing भी करना है, custom ROMs के videos तो definitely आएंगे, और एक नया series लेकर आया हूँ, तो ये सब कैसे मैनेज करूँगा, तो ये मैं आपको 2 अक्टूबर को बताऊँगा इसके पीछे का राज। इस दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कूल गैजेट्स हैं जो शायद हमने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं है या देखा भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो शायद हमारे पास पैसे हो तब भी हम इसे ना खरीदें, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बट उसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई नुकसान नहीं है। इनमें से बहुत सारे गैजेट्स अगर मेरे पास पैसे होते तब भी शायद मैं नहीं खरीदता, बट इनमें से कुछ गैजेट्स ऐसे भी हैं कि मैं शायद इन्हें फ्यूचर में खरीदूं। तो गाइज, ये नया सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मकसद है सिर्फ जानकारी, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ जो है मास प्रोडक्शन में, यानी फ्यूचर में वो हमें देखने को मिलेगा, और कुछ सिर्फ प्रोटोटाइप है, यानी वो बैकर्स का वेट कर रहे हैं, उन्हें अगर प्रॉपर फंड मिले तो वो भी प्रोडक्ट जो है बहुत जल्द मास प्रोडक्शन में चला जाएगा। दुनिया गोल है, इसलिए कभी कभी हम जहाँ से चलते हैं लौटकर वहीं आ जाते हैं। मिलिए एक नए स्मार्टफोन से जो कि पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, बट एक बिल्कुल नए अवतार में। ये है Gemini Ultra Thin Clamshell Mobile Phone with Fully Integrated Tactile QWERTY Keyboard। जी हाँ गाइस, इसमें आप टैप 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 करके टाइप कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलेगा डुअल बूट सिस्टम, यानी एंड्रॉयड एंड लिनक्स ऑप्शन दोनों। और गाइस, इसमें आपको मिलेगा 4G, वॉल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट। आपको इसमें मिलेगा 4220 mAh की ह्यूज बैटरी, एंड गाइस इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, कॉम्पास, जायरो एंड लाइट सेंसर। वजन थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आपको इसमें मिल रहा है एक्स्ट्रा कीबोर्ड। Gemini PDA में MediaTek Helio X27 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि एक डेका कोर प्रोसेसर है। डुअल बूट के साथ 2 हफ्तों का स्टैंड बाई मिलेगा आपको, डुअल साइड माउंटेड स्पीकर एंड डुअल USB टाइप सी पोर्ट। जी हाँ, दोनों तरफ आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में चार्जिंग पोर्ट मिलेगा टाइप सी, और फ्रंट कैमरा है 5 MP का, नो रियर कैमरा। We'll be right back.
जेमिनी पीडीए स्मार्टफोन को हम अपने रेगुलर स्मार्टफोन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट अप्रोच के साथ आया है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसका जो प्राइस है शायद बहुत से लोगों को ये परचेस करने से रोके। वैसे जो लोग गैजेट्स के शौकीन हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, शायद वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए इसमें पैसे खर्च कर दें। $600 आपको पे करना पड़ेगा 4GB 64GB वाले डिवाइस के लिए, जिसमें आपको वाईफाई एंड 4G दोनों ऑप्शन मिलेगा। और सिर्फ वाईफाई ऑप्शन के लिए 4GB 64GB वर्जन के लिए आपको पे करना पड़ेगा $500। 600 USD में शायद आप OnePlus 6 खरीद लें। अगर कैमरा की बात करूँ तो रियर कैमरा मुझे दिखा भी नहीं, कहीं स्पेक शीट में भी नहीं दिखा, और फ्रंट कैमरा 5 MP का। बेसिकली ये कैमरा फ़ोन या रेगुलर स्मार्टफोन नहीं है, ये डिफरेंट अप्रोच के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए है जिन्हें कीबोर्ड पे टाइप करना पसंद है, उन्हें डुअल बूट वाला ऑप्शन मिल रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, दो तरफ चार्जिंग पोर्ट है, तो शायद ये डिफरेंट लोगों के लिए है। तो मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग डिवाइस नहीं है। अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग डिवाइस है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको इसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा। ये तो अभी बस एक छोटा सा शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहुत ही चौंका देने वाला गैजेट्स दिखाने वाला हूँ, और मैं ये रेगुलर आपको दिखाता रहूँगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ये गैजेट जो है अनबॉक्सिंग करने का भी मौका मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई कंपनीज़ को मेल किया है और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आया है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आई फॉर अनबॉक्स जो है एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन के सामने आ रहा है।